नगर निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेक्षक बनकर आए वरिष्ठ आईएएस संयुक्ता समदार ने जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। प्रेक्षक संयुक्ता समदार ने जानकारी देते हुए बताया, मतदान और मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथ को भी चिन्हित किया गया। मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। बरेली में द्वितीय चरण के मतदान में 67 निर्वाचन अधिकारी, 106 सहायक निर्वाचन अधिकारी के साथ 5,430 मतदान कर्मी तैनात किए गए। नगर निकाय चुनाव की बात करें तो बरेली जनपद में कुल मतदाता 13,32,176 हैं। इनमें नगर निगम बरेली में कुल 8,47,763 मतदाता, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कुल मतदाताओं की संख्या 4,84,413 है। बरेली जनपद में कुल 1,195 मतदेय स्थल बनाए गए, जिनमें नगर निगम में 650, नगर पालिका व नगर पंचायतों में 545 मतदेय स्थल हैं। 340 मतदान केंद्रों के सापेक्ष 1,195 मतदेय स्थल, जिसमें 148 संवेदनशील व 31 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 31 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। जनपद के नगर निकायों को 77 सेक्टर 32 जोन में विभाजित किया गया। देखिए, आपको अभी बताया गया कि प्रेस हमने बताया कि नगर निकायों के चुनाव की तैयारी हम लोग पूरी कर चुके हैं, और आप जैसा जानते हैं कि समय हमारी तैयारी बिल्कुल करीब है। आने वाले समय में जैसे कि ट्रेनिंग का कार्य हम पूरा कर चुके हैं, 10 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टी जाएंगी, 11 तारीख को चुनाव होना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की व्यवस्था करा रखी है। एसएसपी साहब ने बूथों की संवेदनशीलता के अनुसार वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बना रखा है। सेक्टर और जोन्स में हमने पूरे नगर निकायों को बांट रखा है, जहाँ पर 3 से 5 वार्ड पर एक हमारे जैसे कि एआरओ साहबान है, और 3 वार्ड पर हमने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा रखा है और 2 सेक्टर पर एक जोनल मजिस्ट्रेट लगा रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील होने के नाते और अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के नाते वहाँ पर व्यवस्थाओं में दिक्कत न हो, इसलिए हमने वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगा रखा है। पूरी व्यवस्था इस तरह से होगी कि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उन्हें सुरक्षा का भाव उनके मन में रहे। इसके लिए अभी से ही हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने पहले कोई प्रयास किया था या जिन्होंने अभी दौरान इलेक्शन, आपने देखा होगा कई जगहों पर कुछ दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ़ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई और आगे भी हम लोग ये कार्रवाई करते रहेंगे। हमारे जो बूथ हैं बिल्कुल अभेद्य होंगे, वहाँ मतदाता के अलावा कोई खुरापाती तत्व तो जा नहीं सकता है। मतदाताओं का वहाँ के जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग कराएंगे। जैसा कि भी हमारे बीच ऑब्जर्वर महोदय आ गई, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, अपना अवस्थान बताया है और मिलने के लिए लोगों को बताया। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आम लोगों को और सभी प्रत्याशियों को भी इसकी जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।